जय माता दी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बृहस्पतिवार की व्रत कथा। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पतिवार की व्रत कथा को पढ़ने अथवा किसी दूसरे स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतानों को पुत्र की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। व्रत करने की विधि। बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नानादि से निर्वृत होकर भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में छोटा अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भी भगवान बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। भगवान बृहस्पति देव पीले रंग के पुष्प और पूजा के पीले रंग की सामग्री को विशेष रूप से पसंद करते हैं, इसलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से भगवान बृहस्पति देव की पूजा का विधान है। बृहस्पतिवार के व्रत में उपासक को पूरे दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल, बेसन और दूसरे पीले रंग के खाद्य पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी व सिर के बाल ना कटाएं। पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से जो मनोकामनाएं प्रकट की जाती है वो उन मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस व्रत में व्रत कथा पढ़ने और श्रवण करने का विशेष महत्व है। बृहस्पतिवार की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान दर्शन के लिए जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता तथा पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना व्रत रखती थी, ना किसी को एक पैसा भी दान देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी दोनों थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएँ खुलवाओ, कुआं, तालाब, बाबड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान दे दूँ तथा जिसको रखने और संभालने से ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पतिदेव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा था, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ से कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई ऐसा काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता, इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन तक बिना भोजन के ही व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सिर बेझर मांग के ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सिर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस
समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी के पास गई और बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है। वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उससे कहा लेकिन उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का ही दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे बात नहीं की। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक हम लोग नहीं उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सिर बेझर के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी के घर के अंदर गई और उसे एक घड़ा बेझर भरा हुआ मिला। उसे बड़ी ही हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बतलाया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इससे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष में की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जला दें। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का ही करें और कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उसने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ पीन लाई और उसी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था। इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही कर, क्योंकि तू ही व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया होगा, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन देकर गया है, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगी। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ कर दिया। उसके बाद से प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह से आलस्य करने लगी। जब दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य किया करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम आलस्य क्यों करती हो? बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग को प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार से कर्म करने का प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस देश में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह स्थिति हुई है।
अब तुम किसी प्रकार की भी चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है, अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल से लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे कि मैं उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की कथा कहानी क्या है मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाना, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा जिससे तुम भलीभांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव का पूजन का भी सामान आ जाएगा। और बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, उसके कोई संतान नहीं थे। वह नित्य पूजा पाठ करता था परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, वह ना स्नान करती ना ही किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातः उठते ही सर्वप्रथम वह भोजन करती थी, बाद में अन्य कोई काम करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे, पत्नी को बहुत समझाते किंतु उसका कोई परिणाम ना निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या उत्पन्न हुई, वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती, वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर वह स्कूल जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वह जौ स्वर्ण के हो जाते और लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक रही थी, तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था, इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ साफ करते देखकर वह कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के अन्न जल त्यागने का समाचार मिला तो मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और बोले, हे बेटा, तुम्हें ऐसा कौन सा कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई और कारण है? मुझे बतलाओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूं जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। वह यह सुन राजा को आश्चर्य हो गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से ही मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुख की अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय तक सुखपूर्वक समय बीत गया, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ आया और सभी हाल कहा। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उन्हें वही विधि बतलाऊंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बचा हुआ जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कुटरी में सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसमें से उसे निकाला और स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियमपूर्वक पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत ही धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पति देव का पूजन किया। उस दिन उसे सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार आया
तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। उसने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए तथा आग ना जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ आकर भोजन करें। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गया। जब लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चित हो गया कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन सा पूर्व जन्म में मैंने कर्म किए जिससे मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तू उससे बृहस्पति देव की पूजन करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ी ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग है, किसकी धर्मशाला है? तब नगर में सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उसे अपने साथ महल में लिवा लाए। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने बतलाया कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंदी रहते थे, दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह का निश्चय का राजा घोड़े पर सवार अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसे देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उसे रोककर राजा कहने लगे, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मरा जा रहा है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहते हुए मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा और चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने यह देखा कि तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास आई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही उसके बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा हुआ देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? तो बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कोई काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे उसने भोजन ना किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई को कथा सुनाने के लिए कुम्हार के घर जाने को कहा। राजा तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगने लगी। सास बोली,
चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं होती। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम जाकर क्या करोगी? दुखी मन से राजा अपने घर को लौट आया। राजा ने रानी से कहा, हम निसंतान है, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कहकर वह बिना भोजन किए शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सभी कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। नवे महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो मनोकामनाएं रहती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना व सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिस प्रकार रानी और राजा की सभी मनोकामनाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की और उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण की, मनुष्य के हृदय से उसका मनन करते हुए जय जयकार करना चाहिए। और इस प्रकार बृहस्पतिवार की कथा समाप्त हुई।